तो गाइस गुड मॉर्निंग यार, सुबह 5 बजे का अलार्म लगाया था, अलार्म तो बज गया, मैं ही नहीं उठा, 7 बजने वाले हैं। सोचा था कि जल्दी ट्रैकिंग करेंगे, आ जाएंगे, पर नींद ऐसी आई कि चलो अभी जल्दी जल्दी नहा कर निकलते हैं। अभी दिखाता हूँ नज़ारा सामने का, देखिए क्या मस्त लग रहा है, एकदम स्नो पीक्स चमक रही है, ये देखिए स्नो पीक्स, कल ताज़ा स्नोफॉल हुआ है इनमें, पीछे और भी होगी बट अभी इतना ही दिख रहा है यहाँ से। जब सो दोस्तों सुबह हो चुकी है, सूर्य सूर्यदेव का प्रकट हो चुका है, ये देखो अब जा रहे हैं अपना पिट्टू विट्टू लेकर, हम भी चल दिए उठाकर अपना सामान यात्रा के लिए, देखते हैं किस टाइम पहुंच पाते हैं, कोशिश है 9:15 बजे तक पहुंच जाए। धराली गांव है, ये धराली की पार्किंग है वहां पर, तो ऐसा जो स्टिकर रेट है वो 50 रुपये है। यहाँ से 5 किलोमीटर है, ये हम लोग खरीदा, यानी कि मैं तकरीबन 1 किलोमीटर चल चुका हूँ, 1 से भी ज़्यादा। अभी खचड़ों का रेट पता किया है, घोड़े वाले वो लेते हैं 2,500 रुपये आना जाना, बास्केट वाले 5,000 और जो पालकी है वो 8,000 रुपये लेते हैं। 8,000 रुपये कुछ ज़्यादा हो गया, फिर भी 4 बंदे उठाते तो 2,000 रुपये तो आना ही चाहिए सबके हिस्से में, कह सकते हैं ठीक है, मेहनत भी बहुत है, 6 किलोमीटर की चढ़ाई है, तो जनरल माता वैष्णो देवी की यात्रा की है, शुरू में जैसा रहता है वही है 6 किलोमीटर का, तो आए और लुत्फ उठाए, फिर थोड़ी सी ऊंचाई मिल जाएगी, ठीक है, मतलब जब आप थकने लगते हो तो सामने आप देखते हो कि प्लेन आता है, उसके बाद फिर चढ़ाई आ जाती है, फिर प्लेन आता है, फिर चढ़ाई आ जाती है, मतलब पहुंच जाओगे, ऐसा नहीं है कि चल नहीं सकते, चल ले, बढ़िया है, अच्छा है, चलना सेहत के लिए भी अच्छा है, तो साल में एक ही बार आना होता है, तो इतना कर ही सकते हैं। देखिए पीछे प्लेन था रास्ता, अब थोड़ा ऊंचाई आ गई है और आगे फिर प्लेन हो जाएगा, तो आपको दिखाता हूँ, ये देखिए वहाँ पीछे प्लेन था और अब फिर चढ़ाई आ गई, आगे फिर प्लेन है, धीरे धीरे चलते रहिए, पहुँच जाएंगे यमुना जी माता के दर्शन के लिए मंदिर में। कहा जाता है यमुना मैया जी के 3 भाई हैं, यमराज जी, शनिदेव जी और हनुमान जी। देखिए यहाँ गेट पे यमराज जी और शनिदेव जी तो बने हुए हैं, हनुमान चट्टी पीछे शुरू में ही आ जाती है, और आइए चलते हैं आपको ले चलते हैं यमुना मैया जी के दर पर। आप कहाँ से आए भैया? हम लोग कलकत्ता से आए। कलकत्ता से आया, देखो कलकत्ता से आया और हमारे यहाँ से लोकल ही नहीं आ पाते हैं यमुना जी के दर्शन के लिए। चलिए जय यमुना भैया, जय यमुना भैया, थैंक यू। यहाँ पे पहले अनाउंसमेंट हो रही है कि अपना रजिस्ट्रेशन जरूर चेक करें, नहीं वो आगे जाने नहीं देंगे। अब जो चढ़ाई है वो ये सीधा दीपगंज का है, इस रास्ते चलिए चलते हैं, तक आया तो आगे भी जाएंगे। ये है यहाँ पे, ये पीछे आपको जगह जगह स्टॉल दिख जाएंगे, मुश्किल से 50 रुपये के करीब एक गिलास है नींबू पानी का, और
बहुत भीड़ है, तकरीबन अच्छे खासे लोग आ रहे हैं यमुना जी के दर्शन के लिए। अभी चलिए चलते ऊपर जाकर देखते हैं कि भीड़ कितनी है। कोशिश तो यही है जल्दी आए और आगे गंगोत्री धाम के लिए निकल जाए। श्री राम मंदिर भी मिलेगा, प्राचीन श्री राम मंदिर है, तो आप दर्शन करते हुए जरूर जाए। चढ़ाई तो है अच्छी खासी है, तो आपको जगह जगह बुट्टे वाले दिख जाएंगे। कितने का बाबा बुट्टा एक? चालीस का, तीस का, आए तो जरूर। ये देखिए जानवर पर जुर्म कर रहे हैं, जवानी में आते नहीं है बुढ़ापे में। चार धाम भी कर तक गए, हाय ऐसे ही चलते हैं, सब रुक के चलते हैं, रुक के चलते हैं। पर जाना है, यहाँ तक कि जवान भी घोड़ों पर जा रहे हैं और पूछे घोड़े का नाम क्या रखना है, मतलब ऐसे लोग हैं कि आप समझ नहीं सकते। जानवरों की ऐसी ही तैसी कर रखी है बेचारों की। हाजी हाजी नॉट इजी, मॉडरेट है, गाड़ी से नीचे ही है पर है मॉडरेट, अच्छा खासा थकान हो ही जाती है। यमुना दर्शनम पुण्यम सर्वस्वम पाप नाशनम। तो जो दोस्तों मंदिर दिख रहा है ना ऊपर, उसके बाद उतर आई है, वरना ये पूरी चढ़ाई है यहाँ से। ये देखिए हम पैदल चल रहे हैं, जिसको चलना है वो चलते हैं, जिसको नहीं चलना वो घोड़ों पर ही बैठकर जाएंगे, क्योंकि वो शुरू में ही हार मान लेते हैं। ये देखिए स्नो पिक्स पास आ ही गए हैं। वो वहां से आ रहा है, भीड़ देखिए। जय श्री भैरव बाबा जी। झरना बहता आ रहा है, बहुत ही गजब ऐसा नजारा, हर बार नहीं दिखता है। देखिए नीचे अब सारा ढलान है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, दर्शन करते हैं और फटाफट निकलते हैं। यमुनोत्री धाम में आपका स्वागत है, तो यमुनोत्री धाम पहुँच गए, पूरा यमुनोत्री माता का मंदिर पहुँच गए और वो ऊपर से आ रही है ग्लेशियर से यमुना माता जी। Thank you.
भैया बहुत भीड़ है, आज शनिवार वैसे है और भीड़ बहुत है। बहुत भीड़ है भैया, बहुत भीड़ है, सैलाब उमड़ा हुआ है, छुट्टी है ना, इसीलिए छुट्टियां पड़ रखी है बच्चों की। जय माता दी, जय माता दी, बस कर लेंगे। ये है यमुनोत्री की मार्केट, सब मिलेगा आपको, इमरती पकौड़े चाय हर चीज। भैया भीड़ बहुत है, तो ठीक है आपको जूते चप्पल लगने के लिए मिल रहा है तो क्या चाहिए। देखिए मोतरी धाम में कितनी भीड़ है, सब सेल्फी लेने में लगे हुए। ये मेन मंदिर है विष्णु माता जी का, माता जी के दर्शन कर लो। ये सूर्य कुंड है, ये देखिए यहाँ पे चावल पकाए जाते हैं सूर्य कुंड में। मंदिर यहाँ भी बना हुआ है यमुना माता जी का। वो देखिए ऊपर, वहां से आ रही है यमुना जी। सबसे पहले तो माँ यमुना सूर्य पुत्री है, यमराज और शनि की बहन है, हनुमान जी शनि और यमराज, यमराज के भाई हैं। और पहले पुराने दिनों क्या होता था, यहाँ पे ठंडा चलता गर्म गर्म कुछ नहीं, तीर्थ यात्रा को आते थे तो बेचारे अपना आते थे, होटल ढाबा कुछ है नहीं करते थे, भूखे प्यासे ऐसे चले जाते थे, ठंड बहुत भयंकर बर्फ गिर जाती थी। माँ यमुना ने देखा, सोचा समझा कि मुझे मृत्यु लोग में इसलिए भेजा गया कि मैं पा की भागीदारी बनूँ, या इसलिए भेजा गया कि मैं पुण्य की भागीदारी बनूँ। यमुना माँ ने सोचा कि मैं बहुत शुक्रिया भगवान का, बुरा लगा कि तीर्थिया चाहते हैं भूखे प्यासे भी ना आए, दो ही चले जा रहे हैं, बोला मैं तो स्वाद किया भागीदारी बन रहा हूँ अपने पिता सूर्य की तपस्या में, लीन हो गई। नहीं अपने पिता सूर्य की तपस्या में लीन हो गई। पचास रुपये माया बनाए अपने पिता की सूर्य की तपस्या, घोर तपस्या करने लगे, सारे हवाएं रुक गई, जल वायु देवी देवता सब सोचे लगे कि कौन ऐसे सीधे तपस्या की तपस्या कर रहा है जिसे पूरे देवियों को ला रखा है। देखा तो सूर्य नारायण ने दृष्टि डाली, देखा तो माँ यमुना तपस्या में बैठी है। सूर्य भगवान प्रश्न हो गए, आए बोले यमुना ऐसी क्या बताई जो तू इतने घोर तपस्या कर रहे हैं। बोला पिताजी आप तो बैठे हैं अपने सूर्य लोक में ना, और मुझे भेज दिया मृत्यु लोक में, मैं पुण्य की भागीदारी नहीं बने, पाप की भागीदारी बन बेटी। वो कैसे? बोला जो ठंडे में लोग आते हैं न भोजन बना पाते हैं, कोई भोजन की व्यवस्था नहीं, कोई जाप आए नहीं कुछ है, तो बोला क्या होना चाहिए? बोला एक किरणी ऐसी दान में दे दो जिससे कि भोजन भी बन जाए, स्नान भी हो जाए। बोला तथास तू, तो भगवान सूर्य ने एक किरणी दान में अपने जो सूर्य कुंड जिसे कहते हैं तत्व दिव्य शिला, उसके बगल दिव्य शिला है, तत्व दिव्य शिला नाम हम इस पर शांति मुक्ति दायिनी करो धर्म विहीन आय पूजा कुरंती मानव कलयुग का जो भी प्राणी आकर वहाँ पे सच्चे मन से श्रद्धा से भोग के साथ पूजा पाठ करता है वो यम लोग को नहीं भेजूंगा। उसी के बगल में सूर्य कुंड है,
तो ये सूर्य कुंड उत्पन्न हुआ ये सूर्य के किरणे से, तो भगवान सूर्य नारायण ने किरणे ऐसे दान में दे दी, तो उसी में कुंड पे बाद भी बनता है, स्नान भी करते हैं, तो ये करंजी पर्वत है। माँ यमुना जी यमुना जी इसलिए कहा जाता है, यमराज की बहन है। जमुना जी इसलिए कहा जाता है, जामुन के पेड़ से निकली है। कालिंद इसलिए कहा जाता है, कालिंदी नाम के पर्वत से आई। दुर्गम पर्वत शिखर निवासी, दुर्गम पर्वत जहाँ न कोई चिड़िया न पंछी न कीड़ा पकोड़ा कोई भी नहीं जा पाता है, उस जगह से माँ ने अपना पुष्कर किया। तो बोलिए जमुना मैया की जय। तो सभी श्रद्धालुओं को जो लोग हमारे चैनल को देखेंगे उनको भी माँ यमुना की ओर से पूरा आशीर्वाद, और आप लोगों को भी आपके सब परिवार की ओर को भी माँ यमुना जी का आशीर्वाद सदा बने रहे। बार बार आप लोग इस स्थान पे आए, इसी प्रकार लोग संत करें, जाने कि रहस्य क्या है, इसका महत्व क्या है। इसलिए जो है अगर जो प्रसाद है नीम प्रसाद चावल है, जल चावल, जल चावल है। धन्यवाद आपके चैनल के लिए। जय यमुना मैया। सो दोस्तों, देखा आपने पंडित जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी माँ यमुना जी के बारे में, और मैं यहाँ पे आया हूँ बट यहाँ पे पानी बहुत ठंडा है, मैंने पानी तो ले लिया है यमुना जी का, क्योंकि गंगा जी का तो सब लेते हैं, तो यमुना जी का भी ले लिया। सो अभी चलते हैं, पानी बहुत ठंडा है। दोस्तों अभी यमुना जी के दर्शन करने के बाद तो अभी मैं गंगोत्री के लिए निकल रहा हूँ, देखते हैं कितना टाइम लगता है। सवा या एक हुआ है और देखते हैं कब तक पहुँच पाएंगे। कहीं पर अगर ज़्यादा लेट तो नहीं चलाऊँगा, अगर हुआ तो कहीं होम स्टे वगैरह में रुक जाऊँगा। ठीक है, चलिए फिर आपको अपडेट करता हूँ आगे चल के। वो देखिए वहाँ से नीचे, चलिए हम भी चलते हैं वहाँ पे।